अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, इब्रान व्लॉग में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी प्यारे व्यूअर्स, आज का व्लॉग इब्रान की फरमाइश पर है। इब्रान ने फरमाइश की है विंग्स की। पहले भी खाता था, उसके फेवरेट हैं। फिर मैं विंग्स लेकर आई, धोए धोकर अच्छी तरीके से साफ़ करके खुश किया। फिर उसमें मसाला लगाया मैंने, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला, नमक डाला और उसके बाद दरबर मिर्चें डाली है। किसी भी मिर्च इसमें नहीं डाली, दरबर मिर्च डाली है। उसके बाद चिली सॉस और सोया सॉस का भी इस्तेमाल किया है मैंने। उसके बाद काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, काली मिर्च का। फिर मैंने अच्छे तरीके से ना इसको अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स किया है। मिक्स करके फिर मैंने रख दिया साइड पर कुछ देर इसको, विंग्स को। फिर मैंने हाथ वॉश किए, हाथ वॉश करके फिर मैंने ये देखें ये भी बनाए थे बाहर के लिए, वो मैं ये बना कर दे आई थी। और उसके बाद ये मैंने मैदा लिया, मैदा लेके फिर मैंने उसमें हल्का सा नमक, बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाला, थोड़ी सी ये काली मिर्च डाली हल्की सी, और फिर इसको मैंने मिक्स किया है। और उसके बाद मैंने एक विंग्स उठाया, विंग्स को अच्छे तरीके से कोटिंग किया मैंने। तो एक विंग्स लिया है मैंने, ये देखें मैं कोटिंग इसकी कर रही हूँ। कोटिंग अच्छी हो गई थी, लेकिन मुझसे थोड़ी एक मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे ये जो विंग्स थे इसमें ज़्यादा क्रंच नहीं बना था, लेकिन फिर भी अच्छा बेहतरीन जायका था। जो मसाला था वो भी मतलब अच्छा, बड़ा तारीफ कर रहा था मम्मा के मैंने है। उसके बाद मैंने इसको उठाया और उठाने के बाद मैंने पानी में डिप किया इसको। आप ठंडा पानी में करेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छी कोटिंग होगी। मैंने इसको इसमें डिप किया और फिर दूसरे को भी मैंने डिप किया इस पानी में, ये देखिए ठंडे पानी में। फिर दोबारा इसको निकाल के मैंने कोटिंग की है और फिर इसको झटका है अच्छी तरीके से। तो फिर मैंने इसको ढाल दिया कढ़ाई में, ये देखिए ये देखिए। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मैंने बना दिए, बाकी जो बचे थे वो मैंने डब्बे में डाल के, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और यम का बना था। और उसके बाद मैंने जो बाकी बचा था वो मैंने डब्बे में डाला, डब्बे में डाल के मैंने ब्रांड को सुबह बना दूँगी या किसी और दिन बना दूँगी। उसके बाद मैंने चाय भी बनाई इसके बाद, और चाय के साथ गजब भी था, बहुत अच्छा लगा। आज की बात जैसे मम्मा थैंक यू, वो पोजिशन से आया तो उसने वो बहुत खुश हो गया, देखिए क्रंच क्रंच बहुत अच्छा लग रहा था। और गैस कम आ रही थी और साथ में साग भी रखा हुआ था, तो साग का पानी खुश्क हो रहा था। साथ साथ ये भी बना रही थी, साथ साथ साग को भी देख रही थी मैं। तो किस किस को ये विंग्स पसंद हैं कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।